बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान किसी भी त्योहार पर अपने फैंस को विश करना कभी नहीं भूलते हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर करके अपने फैंस को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है जिसे सुनकर उनके फैंस का आज का दिन बन गया है। शाहरुख खान ने साल 2021 में अपने बड़े पर्दे पर वापसी कंफर्म कर दी है। उन्होंने वीडियो में बताया है कि अब वो लंबे समय के बाद लौट कर आ रहे हैं। शाहरुख खान ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आप सभी के लिए एक सुरक्षित, सुखी और समृद्ध 2021 की कामना करता हूँ। वीडियो में शाहरुख खान ने बताया कि उनकी टीम साथ में नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने खुद वीडियो शूट किया है। साल 2020 में लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, शाहरुख खान ने इस बारे में भी इस वीडियो में बात करी। फिर अपने बड़े पर्दे पर वापसी के बारे में फैंस को खुशखबरी दी। Hi everybody. It is that time of the year again when the old year is on its way out and the new one is waiting in the wings, or actually has entered, because I'm late in conveying my wishes to all of you. But I'm sure all of you will agree 2020 has been the worst of years for everybody. And in these awful times, for most, it is difficult to find a ray of hope or positivity. But I have a way of looking at bad days, difficult times, awful years. I believe when one is at the lowest, at the most bottomest of their life, the good thing is that from here on, there's only one way to move. That is upwards, higher, to better places. So 2020, whatever it has been, isn't the past now. And I believe 2021 is going to be bigger, better, brighter, and more beautiful for all of us, inshallah. वीडियो में शाहरुख खान मजाकिया अंदाज में बात करते नजर आ रहे हैं। वह कहते हैं, मैं अपने फैन से कहना चाहता हूं कि मुझे लंबे लंबे न्यू ईयर मैसेजेस ना भेजें, बस हैप्पी न्यू ईयर लिख दे, मैं उसी में खुश हूं। जाते हुए शाहरुख खान ने कहा कि आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और मैं आपसे 2021 में मिलूंगा बड़े पर्दे पर। रिपोर्ट्स की माने तो पठान फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम लीड रोल में नजर आएंगे। शाहरुख और दीपिका ने पहले शेड्यूल की शूटिंग खत्म कर ली है। कुछ दिनों से दोनों साथ में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शाहरुख खान ने सिर्फ 20 दिनों में पहला शेड्यूल खत्म कर लिया है। जॉन इस फिल्म की शूटिंग जनवरी में अबू धाबी में शुरू करेंगे। वहीं शाहरुख खान और दीपिका भी 2021 की शुरुआत में अबू धाबी के लिए भारत से जाएंगे। वहीं जॉन भी दोनों के साथ शूटिंग करेंगे। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही फिल्म के सेट से शाहरुख खान का लुक खूब वायरल हुआ था। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन पर लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।